जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने। दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की पलकें बड़ी हों, घनी हों, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों में, खासकर फीमेल्स में, काफ़ी चाव रहता है कि उनकी आँखें की जो पलकें हैं वो लंबी रहे, घनी रहे, क्योंकि वो काफ़ी उनकी खूबसूरती बढ़ाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफ़ी बार उनकी पलकें काफ़ी कमज़ोर भी रहती, टूट भी जाती है, या तो ग्रो नहीं होती सही तरीके से। तो अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम है और आप शौक रखते हैं कि आपकी पलकें ग्रो हों, आपकी आँखों की जो पलकें घनी दिखे, काली दिखे, तो अगर आप इस तरीके के आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी आज की जो वीडियो का नुस्खा आप देखिए। बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है और आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसको यूज़ किया तो दोस्तों मैं गारंटीड बोलता हूँ कि आप देखेंगे कि आपको 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा आपकी पलकों के अंदर, आपकी पलकों की ग्रोथ में, आपकी पलकों की साइज़ में, आपके पलकों के घनेपन में बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा ये। तो बात करते हैं दोस्तों कि इस नुस्खे के लिए आपको क्या चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों इस नुस्खे के लिए आपको लेना है वो लेना आपको वैसलीन। वैसलीन बहुत इफेक्टिव है इस तरीके की चीज़ों में। वैसलीन आप स्किन के लिए तो यूज़ करते हैं लेकिन ये आपकी पलकों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। कभी कभी आपकी ऐसी प्रॉब्लम होती है बालों में जिसमें भी आप वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको वैसलीन लेना है। आप इस तरीके से तकरीबन आधी चम्मच, इस तरीके से छोटी चम्मच की मात्रा में आप वैसलीन ले लीजिए, उसको इस तरीके से डाल लीजिए। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है इसके साथ में, वो आपको लेना है बादाम का तेल, जिसे आलमंड ऑयल भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है आपकी पलकों या फिर आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और साथ में इसमें विटामिन ई होता है जो काफ़ी हेल्प करता है आपको। तो आपको इसके अंदर इस तरीके से बादाम के तेल डालना कुछ, और आप इन दोनों को डालने के बाद में आप अच्छे से मिला लीजिए। आप इस तरीके से इन दोनों को देखिए, इस तरीके से आप डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए, एक पेस्ट सा बना लीजिए। देखिए दोस्तों जो ये इस तरीके से एक मिक्सचर या पेस्ट बना है, इसको आपको आपकी पलकों पे अप्लाई करना है। तो आप सुन लीजिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप आपके जो फेस है उसको अच्छे से धोइए, आपकी पलकों को धोइए, ताकि किसी तरीके की गंदगी गीच ना रहे आपकी पलकों में। उसके बाद में आपको इसको अपने हाथ भी धो लीजिए आप, और अपने या तो हाथ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आपकी पलकों पे इस तरीके से लेके, या फिर आप किसी कॉटन की मदद से इसको अप्लाई कीजिए अपनी पलकों पे, अपनी आई लैशेज पे, और इसको लगा के आप रख दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट। आप चाहें तो इसको आपकी जो आँखों की भौहें रहती है, जिसे आईब्रो भी बोलते हैं, आप उस पर भी लगा सकते हैं। तो आप इसको लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए, और बाद में रेगुलर वे में जैसे आप धोते अपने फेस को, आँखों को, वापस से धो लीजिए। और आप इस प्रोसेस को दोहराएं तकरीबन 15 दिन के से लेके 30 दिन तक के लिए, तो आप देखेंगे आपकी पलकों को ये काफ़ी घना कर देगा, गहरा कर देगा, और आपकी पलके को काफ़ी मजबूत और लंबा भी कर देगा। तो आप प्लीज़ इस नुस्खे को ट्राई कीजिए और हमें बताएं कि आपके रिजल्ट के बारे में। साथ में आपके कोई भी कमेंट्स या प्रश्न तो पूछिए। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।